गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था, मैंने चैप्टर कौन सा पढ़ाया था आपको, बर्ड्स और बर्ड्स के नेस्ट के बारे में पढ़ाया था। तो नेस्ट के बारे में आपने चैप्टर भी दोबारा पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि मैंने कह रखा आप लोगों को कि जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू वगैरह, तो वो फाइंड करके आप खुद भी किया करो। इससे क्या होगा, एक आपकी एक अच्छी आदत होगी चैप्टर पढ़ने की और चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर फाइंड करके उनको फिल करने की। तो हमें पढ़ने के साथ साथ हमें अच्छी आदतें भी मिलेंगी। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट है, हमने कल क्वेश्चंस दिए थे तो आप लोगों ने वो कर लिए होंगे और वो करने ही हैं आप लोगों को बच्चों, ओके। क्योंकि आप जब भी हमारा स्कूल रीओपन होगा तो आपकी कॉपीज चेक होंगी, ओके। तो हम अब जो समेटिव असाइनमेंट है इसका हम करेंगे फर्स्ट एमसीक्यू करेंगे, ओके। एमसीक्यू कौन सा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हम फर्स्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कोयल, ओके। कोयल यानी कुकूज, ओके। कोयल मोस्टली ले एग्स इन द नेस्ट। तो जो कोयल है वो मोस्टली एग देती है, क्योंकि खुद का तो घोंसला ये बनाती नहीं है। तो जब वो खुद का घोंसला नहीं बनाती है तो बताइए किसके घोंसले में अंडे देती है वो, याद आ गया क्या? यस, क्रो। इसी तरह से हम सेकंड वाला करेंगे। The woodpecker build its nest in, जो woodpecker होती है वो अपने nest को कहाँ बनाती है? Yes, tree trunk पे टिक करते जाइए। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ध्यान देंगे। The birds which use its beak as needle is, भाई वो कौन सी बर्ड है जो अपने बिक को निडल की तरह यूज करती है, जस्ट लाइक अ सुई, सुई की तरह प्रयोग करती है अपने घोंसले को सिलने के लिए, ना कि बीनने के लिए। बीनने के लिए तो वेबर बर्ड है, लेकिन सिलने की बात कर रहे हैं तो हु, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड है, ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा, बी, ओके। इसी तरह फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर वेबर बर्ड नेस्ट लुक लाइक, वेबर बर्ड का जो घोंसला था कैसा था देखने में, हैंगिंग बास्केट, यस, बिल्कुल झूले की तरह होता है, हैंगिंग बास्केट। कौन सा ऑप्शन है ये, सी, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, तो थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी इधर करवा दूंगी। तो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर्स में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर करवा रही हूँ, ओके। तो क्वेश्चन थर्ड यानी क्वेश्चन आंसर ध्यान रखना, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आंसर करवा रही हूँ, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए, व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो बर्ड्स है वो अपना घोंसला क्यों बनाती है, हम हमारे घर में क्यों रहते हैं, हाउस हमें, हम हाउस में रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, अपने आप को सेफ फील करते हैं, जस्ट सेम बर्ड्स भी ऐसा ही फील करती है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट is to lay their eggs, क्या देती है उसके अंदर eggs, in the nest, in the nest and keep their young ones यानी जो उनके बच्चे होते हैं वो सेफ रहते हैं उसके अंदर, सेफ एंड वार्म इन दैम, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, चिड़िया अपने घोंसले क्यों बनाती है, चिड़िया अपने घोंसले इसलिए बनाती है, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इज टू ले देयर एग्स इन द
nest and keep their young ones safe and warm. ओके अपने मतलब घोंसले के अंदर वो बिल्कुल सेफ रहती है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करेंगे हम. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू का आप क्या कह रहा है, नेम द मटेरियल्स यूज बाय द बर्ड्स टू अ बिल्ड नेस्ट. वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर टू करवा दिया है, मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था ना कि भाई चिड़िया घोंसला बनाने में किन किन चीजों की वो कौन कौन सी चीजें यूज में लेती है, तो इसका आंसर भी सेम ही हो जाएगा. दे गैदर डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ट्विक्स, ट्विक्स यानी तिनका, ग्रास और लीव्स, L-E-A-V-E-S, leaves, roots, feather, cotton, wool, thread, piece of P-I-C-P-I-E-C-E-S, piece of cloth and paper hair straw etc. ऐसी बहुत सारी चीजों को घर बनाने में प्रयोग में लेती है. ओके हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया है. अब हम यहां करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. ओके इसका आंसर हम डायरेक्ट करेंगे. समझ लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जो मैं ऑलरेडी करवा दिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना, ये लर्न हो जाएगा आप लोगों को. ओके एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय अ ब्रूडी हैन. मैंने आपको ब्रूडी हैन की बताई थी ना आपको, कौन सी जो जो हैन होती है उनके अगर एग्स को या उनके आप चिकन्स को अगर टच करते हो तो आपको वो बिल्कुल गुस्से में देखेंगी और आपको पूरे मतलब दौड़ा देंगी जोर से. When the hen sit on an axe to incubate in incubate, incubate or hatchet or hatch it, the hen become very very irritable. I-double-R-I-T-A-B-L-E, irritable. It is cold. A broody hen, a broody, broody hen. Okay, बात समझ में आ गई क्या? तो आज के बाद हैन के बच्चों को टच मत करना भाई, और नहीं तो गुस्सा होकर के आपके पीछे पड़ जाएगी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज हैचिंग एंड हाउ डज इट ऑकर. भाई हैचिंग क्या होता है और ये मतलब कैसे वो करती है अपने, मतलब जो भी हैचिंग है, जो अपने अंडे का ध्यान कैसे रखती है. सो मदर बर्ड ले दी एग्स, जब वो अपने अंडे देती है तो
द मदर मदर बर्ड कीप देयर एक्स वर्म बाय सिटिंग ऑन देम बाय सिटिंग ऑन देम वो उन एक्स पे बैठ जाती है. सो आफ्टर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आफ्टर फ्यू डेज द बर्ड्स द बेबी बर्ड्स ओके क्योंकि अभी छोटे ही है वो बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ एक्स. कहाँ से बाहर आ जाते हैं एक्स से एक्स दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड हैचिंग एच ए टी सी एच आई एन जी हैचिंग ओके हो गया भाई. हैचिंग का मतलब क्या होता है भाई उसने कहा कि हैचिंग का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से होता है. तो जो मदर बर्ड से मदर बर्ड्स ले द एग्स जब वो अंडे देती है द मदर बर्ड्स कीप देयर एग्स वर्म बाय द सिटिंग ऑन देम तो वो अंडों को वर्म रखने के लिए गर्म रखने के लिए वो अंडों पे बैठ जाती है. एंड आफ्टर फ्यू डेज कुछ टाइम के बाद द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स और कुछ टाइम के बाद क्या होता है उन अंडों में से बेबी बर्ड्स बाहर आ जाता है. तो जो ये पूरा जो सिस्टम हुआ ना उसको क्या बोलते हैं हम हैचिंग बोलते हैं ओके. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हम करेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है ओके लास्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूबॉर्न भाई न्यूबॉर्न बेबी होती है उनकी क्या विशेषता होती है उनके बारे में लिख ले. द न्यूबॉर्न बेबीज द न्यूबॉर्न babies are featherless f e a t h e r l e double s featherless hote hain ye unke pankh to hote nahi hai so they have weak legs legs bhi bahut weak hote hain na and their eyes are closed also okay and The eyes are closed. उनकी जो आंखें होती है वो बिल्कुल बंद होती है. Okay, so the parent birds take care of them. Take care of. Okay, और जब तक वो बच्चे उड़ नहीं जाते हैं जब तक वो उनका ध्यान रखती है. And one once their feather grow. And they learn to fly. जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो then the babies become independent independent birds okay बाद में ये independent हो जाते हैं okay. तो एक बार और आंसर पढ़ लें. The newborn babies are featherless. They have weak legs. ये इनकी विशेषता होगी जो newborn
जो बेबीज होते हैं जो एग से बाहर आते हैं वो फेदरलेस होते हैं और दे हैव टू अ वीक लेग्स एंड देयर आईज आर अ क्लोज ऑल्सो, उनकी आंखें भी बिल्कुल बंद होती है. सो द पेरेंट्स बर्ड टेक केयर ऑफ देम. सो पेरेंट्स जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं जब तक कि वो उड़ना ना सीख जाए. जब फैदर ग्रो हो जाता है और जब वो बेबी उड़ना सीख जाते हैं तो पेरेंट बर्ड क्या करते हैं, उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं. ओके तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने के लिए ओके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट अबाउट द शेप एंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेस्ट ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स. बच्चों इस क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बताना है कि जो बर्ड्स है उनके जो घोंसले होते हैं यानी नेस्ट होते हैं उनकी स्पेशलिटी कैसी होती है बनावट की. तो चलिए हम उनकी स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं. तो सबसे पहले हम स्पैरो के बारे में बताएंगे. हमारा ये क्वेश्चन नंबर फोर है. क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट है स्पैरो, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू. स्पैरो के बारे में हम बताएंगे. तो स्पैरो का घर कैसा होता है बच्चों, डीप कप शेप. कप शेप ऑफ नेस्ट, कप शेप पे होता है भाई, कहीं उसके बच्चे बाहर आके गिर जाए. ओके क्योंकि आइस तो उनकी बंद होती है, ओपन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपना घर कप की शेप में यानी बिल्कुल गहरा कटोरे जैसा बनाती है. एंड सेकंड है पार्टी रेड. पार्टी रेड यानी तीतर के बारे में हम बात करेंगे. द ओके सोलो नेस्ट On the ground. ये कहाँ बनाती है अपना घोंसला, ग्राउंड पे बनाती है और थोड़े उथले हुए घोंसले होते हैं इनके. नंबर थर्ड कोयल. अरे भाई कोयल के बारे में बार बार आ रहा होगा, तो कोयल के बारे में तो आपको पता है मोस्टली जो अंडे देती है मोस्टली मोस्टली ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ, सही है ना, क्रो के घोंसले में घर देती है. सॉरी क्रो के घोंसले में ये अपने अंडे देती है और क्रो के एग को क्या करती है, धक्का मार के नीचे गिरा देती है. सो वेवर बर्ड. तो वेवर बर्ड के बारे में बात करेंगे हम. W-E-A-V-E-R, Weber Bird. Weber Bird का कैसा होता है घर, Hanging Basket. H-A-N-G-I-N-G. Hanging B-A-S-K-E-T. Basket. Hanging Basket होता है ना, पालने घर की तरह, झूले की जैसा. Question number 5th, Taylor Bird. T-A-I-L-O-R, Taylor Bird. टेलर बर्ड का घर कैसा होता है भाई, एस टी आई टी सी एच ई एस. स्टिचेस टू और थ्री, टू और थ्री ब्रॉड वो दो से तीन पत्तों को क्या करती है, स्टिच कर देती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड्स कहते हैं. ओके अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, मैच द कॉलम. तो ये क्या है, कॉलम ए एंड कॉलम बी. ओके कॉलम ए और कॉलम बी में क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ.
अब आपको क्या करना है, मैच करना है, तो मैं सिर्फ मैच करूंगी ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वुड पेकर, तो जो वुड पेकर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके द फाइन शेप्स ऑफ वुड, जो वुड के जब वो घर बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, वही जो पेड़ के जो ट्रंक की वो कटिंग करते हैं ना, तो उसे फाइन चिप्स निकलते हैं, यानी बिल्कुल बारीक ऐसी कटिंग निकलती है, बिल्कुल जस्ट लाइक बुरादा। तो उसको वो वहां पे बिल्कुल बिछा देते हैं अपने घोंसले को। तो हम वुड पिकर को किससे मैच करेंगे, ई से। इसी तरह से पैरेट, तो पैरेट अपने घोंसले में क्या रखता है, ग्रास एंड फैदर, सो मैच द डी। एंड थर्ड नंबर किंगफिशर, किंगफिशर के घोंसले में क्या होता है, किंगफिशर के घोंसले में होता है फिश बॉन, ओके बी, ओके। एंड टेलर बर्ड, टेलर बर्ड के घोंसले में क्या क्या होता है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, कॉटन, वूल, ग्रास, हेयर, ओके, हम इसको सी से मैच कर देंगे। अब फाउल, ट्री लीव्स एंड ड्राई ग्रासेस से वो कवर कर देते हैं, ताकि कोई भी एनिमीज, कोई भी दुश्मन आके उनके घोंसले को ना देख सके, तो इसलिए छुपा के रखती हैं। सो अब हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का, क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन से बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिप्स, फिलिप्स का फर्स्ट हम करेंगे, ओके, इज अ बर्ड दैट डज नॉट बिल्ड एनी नेस्ट, भाई ऐसा कौन सा बर्ड है जो अपने घोंसले नहीं बनाता है, दूसरे के घोंसले में ही अंडे देता है, तो कौन है बच्चों, यस, कुकू या फिर आप कोयल लिख लें, दोनों बर्ड एक ही है, नाम अलग अलग है बस, ये मत सोचो कि कुकू या कोयल, कोयल को ही कुकू भी कहा जाता है। द नेस्ट ऑफ वेबर बर्ड्स हैंग्स फ्रॉम द, वो जो वेबर बर्ड्स होती है वो अपने घोंसले को कहाँ हैंग करती है, ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ों पे करती है ना, पेड़ों की शाखाओं पे अपने बास्केट को लटका देती है, ओके, जस्ट लाइक अ झूला। द ब्लैंक बर्ड्स स्टिच द लीव्स यूजिंग इट्स अ ब्लैंक, ओके, कौन है जो अपने घर को सिलता है, कौन है भाई, याद आया, टेलर बर्ड, टी ए आई एल ओ आर, टेलर, इसके अंदर डबल फिल इन द ब्लैंक से, तो उसकी बस क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो लीफ्स, जिसकी वजह से वो स्टिच करती है, भाई उसके पास एक शार्प बीक है, शार्प बी ई ए के बीक, ओके, आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में डबल आंसर आएंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का फोर्थ नंबर, द टेलर बर्ड्स बिल्ट अ ब्लैंक नेस्ट, तो टेलर बर्ड्स होती है वो अपने नेस्ट को कैसे बनाती है, लीफ से बनाती है, ओके, तो उसका नेस्ट कैसा होता है, लीफी नेस्ट होता है, एल ई एफ वाई, लीफी, एन ई एस टी, लीफी नेस्ट होता है उसका। एंड फिल इन द ब्लैंक्स नंबर फाइव, मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप दैम वार्म, वो अंडों पे क्यों बैठती है, ताकि उसके अंडे बिल्कुल वार्म हो सके और अंडों से बच्चे थोड़ा जल्दी बाहर आ जाए, ओके। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, हम इसके साथ एक ट्रू फॉल्स भी कर लें। क्वेश्चन नंबर सेवन कौन सा है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का हम फर्स्ट करेंगे बच्चों, एंड ऑल बर्ड्स बिल्ड द सेम काइंड्स ऑफ नेस्ट, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं वो क्या सब सेम होते हैं, सबके बर्ड्स के नेस्ट सेम होते हैं, जी नहीं, फॉल्स, फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि सभी बर्ड्स के नेस्ट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, किसी किसी के कप शेप में होते हैं, किसी के ना कोई है ना बुशेज एरिया में लगाता है, कुछ रिवर बैंक ऑफ रिवर के नदियों के किनारे लगाता है, कुछ पेड़ों में लगाते हैं, तो डिफरेंट 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 तरह के उनके नेस्ट होते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेबर बर्ड्स नेस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग,
यस, वेवर बर्ड्स का जो घोंसला होता है ना वो बहुत स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग होता है, पता है आपको? अगर मैंने तो आपको बताया था कि बारिश में वो पानी अंदर जाता नहीं है उसके घोंसले के अंदर, यहाँ साथ में बहुत तेज आंधी भी चलती है ना तब भी उसका घोंसला नीचे नहीं गिरता है, वो हवा में आंधी में भी वो घोंसला लटका रहता है। ओके, सो ट्रू है ये। अब वुड पिकर इज अ लेजी बर्ड, तो बताइए बच्चों वुड पिकर क्या लेजी बर्ड है? कौन है लेजी बर्ड, याद आया क्या? यस, कुकू, अपना घोंसला भी नहीं बनाती है वो। फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कुकू लेज इट्स एग इन द क्रोज नेस्ट। यस, जो कुकू है वो अपने एग्स कहाँ देती है? ट्रू, कहाँ देती है? क्रो के घर में देती है, कोयल को मतलब कौवे घर में। यस करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 और बिल्कुल लास्ट है ना, एफ आई, ये फाइनल लेक्चर है हमारा। ओके, यानी आज द बेबी बर्ड्स फ्लाई द इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। क्या बच्चों, जब एग से बेबी बाहर आ जाता है तो वो बेबी बाहर आते ही उड़ने लग जाता है? नहीं उड़ने लग जाता है ना, वो कुछ टाइम के बाद जब उसके जब पंख बाहर निकल जाते हैं तो वो उड़ना सीखते हैं। ओके, जब उनको उड़ना आ जाता है तभी वो उड़ते हैं। ओके, तो इसलिए इसका आंसर भी होगा फॉल्स। तो आज आपको ये होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सारे करने हैं। ओके, तो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये सारा होमवर्क करना है बच्चों। ये सारा होमवर्क आपको करना है अच्छी हैंडराइटिंग में, चैप्टर नंबर मेंशन करना है, चैप्टर का नाम मेंशन करना है, और जिस दिन भी आप वर्क करोगे डेट वाइज आपको ये वर्क करना है। ओके, सभी कॉपियां जब भी स्कूल रीओपन होंगी ये सारी आपके वर्क को चेक किया जाएगा, सबसे पहले वर्क ही चेक होंगे आपके। ओके, सो स्टार्ट हो जाइए होमवर्क करने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, यानी नए बिल्कुल चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।